मोदी जी कह सकता है मित्रों भाई और बहनों, मिमी करिए नहीं प्लीज, आज रात को मेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे। मेरे दादाजी खेती बाड़ी करते थे। मेरे दादाजी ने बताया बेटा कानून गलत है। भाई और बहनों, मैं आपके दादाजी की ओरिजिनल आवाज सुनना चाहता, मिमिक्री नहीं सुनना चाहता आपकी, बताइए। और आज 8 बजे के बाद कानूनों को रद्द किया जाता है। देखो मोदी जी से हमने इसी बात का आस है। सीधी सामने ट्रैक्टर है, उसने मोड़ की बराबर को करा, जड़े गोले फूट रहे थे। सारी बदमाशी भेज उन भाजपा की है, मारा किसान ने कोई गलती नहीं करी। अरे 120 जवान दो जेल में दिए हैं, तिहाड़ जेल में पाए हैं गणेंद्रा में। मैं चश्मा लेता हूँ तो बुझड़ा सा हूँ, आज कुकर बैठे हैं तो हमारे कानून ये तीन कानून वापिस करो, कानून खातिर बैठे हैं। अरे बालक भी आ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बालक हाथ में बाठा ले रहे हैं। देखिए यहाँ ये ट्रैक है, रामायण ट्रैक है, हम यानी कि 12 से 4 बजे तक सांकेतिक बिल्कुल ट्रैक जाम रहेगा। बताइए आप जाम क्यों किया, कभी हाईवे जाम करते हैं, कभी ट्रैक जाम करते हैं, खोल रहे हैं। अच्छा जी, किसान दुखी हैं। अच्छा, इनकी सुनाई करो, तीन काले कानून वापिस लो, एमएसपी पे कानून लागू करो, और इन किसान सुख हो जे। इसने तीन महीने तक माटी कूट रखी है, इसलिए इनको ऊपर पटरी पे बैठे हैं। नहीं हम लोग किसान थे, खेत में काम करते, हमने यहाँ की क्या जरूरत थी। खाप पंचायतें इकट्ठी हो रही है, खाप पंचायत जी बार बार हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, कभी जींद में तो कभी खरक पूनिया में, सारे जावे हैं। तो यो यानी कि अगला या रणनीति धीरे धीरे आपकी, यानी कि एक बार कम हुआ फिर दोबारा से बढ़ने लगी, तो ये क्या रणनीति है आपकी, हम जानेंगे। मैडम सरोज कुमार आप बताइए, बैठे थे ना? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ हमारा किसान लिया था थक, अर्थ में आउटपुट निकला नहीं था। ये आंदोलन जन जन बच्चे बच्चे तक पहुँचाना था। 3 साल का बच्चा भी आज उरा आके बैठ सके, वहाँ नहीं जा सकता था। मेरे बच्चे हर रोज रोते थे, पापा गाजीपुर नहीं लेके जा रहे, पापा टीकरी नहीं लेके जा रहे। बड़ी मुश्किल से लड़ाई झगड़ा करके वो टीकरी भी लेके गया एक बारी गाजीपुर, वहाँ बैठ तो नहीं सकते। ये हम रोज बैठांगे, अरे एक भी बीजेपी वाला हमारा गाँव में बढ़ जाइयो, कोई भी काम करके दिखा दियो। इस सरकार को हम इतना मजबूर कर देंगे कि ये कभी भी ऐसे कानून पास करने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ जन जन के पेट का सवाल है, और हमने पूंजीवादी देश नहीं बनाया। हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन है, खासकर प्रियम्बल में, हम समाजवादी प्रियम्बल में लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है, और जस्टिस प्रोवाइड करना प्राथमिक जो कर्तव्य है सरकार का। तो ये इसमें ना जस्टिस है ना ये खुली, जब छूट दे दी व्यापार की और कृषि को एक व्यापार बना दिया जहां रोटी मिलती है, तो आप कौन से समाजवाद की बात कर रहे हो? अच्छा। ये हमारे देश का आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव, हम आपको दिखा रहे हैं यहां के बिल्कुल, ये जो ट्रैक के ऊपर जो बैरिकेड लगे होते हैं, गाड़ी जब आती है जब, तो ये उठा दिए गए हैं, और यहाँ महिलाएं बैठी हैं। तो देखिए यहाँ ट्रैक के ऊपर ताश खेली जा रही है। भाई साहब चिड़ी की दुगी बगा दी आपने, नहीं बे, ये आज का क्या आपका मौजू है, क्या मकसद है? आज हमारा यहाँ पे रेल रोको अभियान है। हाँ, आज हम 12 बजे से 4 बजे तक रेल के यहाँ लाइन पे बैठेंगे, रेल रोकेंगे। अच्छा। और मेरे को आप कांग्रेस नेत्री कहने की बजाय एक किसान नेता कहोगे तो ठीक है, क्यों पहले हम किसान नेता बाद में हम पार्टियों से वो करते हैं। तो आपकी पार्टी भी यानी कि इसका विरोध कर रही है, आप किसान हैं, समर्थन कर रही है, हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है। कभी हाईवे जाम करते हैं, कभी ट्रैक जाम करते हैं, कभी सभी लगे हुए हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं। मैं बता रही हूं आपको, कांग्रेस नेत्री कहने से पहले मैं किसान नेता बनना ज्यादा पसंद करूंगी। मेरे साथ है किरण मलिक, मैं जानूंगा कि इनका पहले भी इन्होंने वक्तव्य दिया था, बहुत अच्छा बोलती है। किरण जी आप ट्रैक पे पहुंची हैं, यहाँ पे है कि ये युवा किसान है, मैं नेत्री तो आपको नहीं कहता, मैं नेत्री कहूंगा तो आप कंडम कर देते, मैं नेत्री कहूंगा तो आप कंडम कर देंगे। नहीं हूं। हाँ, तो कैसे पहुंची ट्रैक पे आज? सारे पहुंचे हैं। क्या क्या मकसद है आपका? मुझे 3 घंटे का सांकेतिक बंद है, ये 4 घंटे का, तो ये सांकेतिक मतलब संकेत दिया जा रहा है सरकार को कि आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा वो हो सकता है। तो हम एक बार सांकेतिक, जैसे उस दिन अपना रोड बंद हुआ था, आज रेल बंद है, और आने वाले टाइम में
ज्यादा बंद हो सकता है। टोल फ्री है? हाँ टोल फ्री है, टोल कई स्टेट्स में फ्री कर दिया गया। आपको लगता है कि 85 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली के चारों तरफ गोलबंदी किए हुए हैं धरना, कि इसका कोई गतिरोध है, ये दूर होगा क्या? हाँ सरकार तो तोड़ने का प्रयास कर रही है, जगह जगह सेंध लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार बैकफुट पे है आज के टाइम। बैकफुट पे लगता है? बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि चंद आने वाला समय किसानों का होगा? हाँ, निर्णायक होगा। निर्णायक होगा बिल्कुल। और ये जो आप जिसे आप कहती हैं बकौल किरण मलिक, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को विधेयक नहीं कहूंगा, पहले विधेयक कानून है, ये कानून बन चुके हैं, आपकी मजम्मत करती हैं इनकी, यानी कि बिल्कुल मैं विरोध कर खिलाफत करती हूँ, विरोध करती हूँ, काले कानून है ये और वापिस होने चाहिए। क्या ट्रैक जाम होने से असुविधा नहीं होगी किसी को? होगी तो हमें भी तो हो रही है, हम ही आप किस लिए बैठे हैं, हमें नहीं हो रही क्या? लोग घर बैठे हैं। वजह फरमाया कि भी आप अपने ये सारे काम धंधे छोड़ के महिलाओं में भी जोश नजर आ रहा है और बराबर यानी कि किसानों के हक में नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी ये संदेश भिजवा रहे हैं कि हमारी मांगे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी, हम 85 दिन हो गए हैं हमें आज हुए हुए, तो ये संदेश सरकार भी आगे आ रही है, किसान भी आगे आ रही है। लेकिन हम बता दें कि ये 4 बजे तक ट्रैक जाम रहेगा और रामायण ट्रैक पर हम यहाँ खड़े हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखते रहिए हंसी की आवाज़ बराबर, यानी किसानों का आना है, आना लगा हुआ है और महिला किसानों का भी यहाँ आना लगा है। हमारे साथ हैं मनोज राठी जी। मनोज आइए, मनोज राठी जी खड़े हैं हमारे साथ, ट्रैक पर पहुँचे हैं, मैं इन्हें किसान ही कहूँगा क्योंकि ये किसानियत करते हैं। मनोज राठी जी, बदल बदल के आपके यानी कि आंदोलन हो रहे हैं, हाईवे जाम है, टोल फ्री कर दिया है, ट्रैक जाम कर दिया है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या किसानों का कभी गतिरोध दूर भी होगा क्या? सैयद बोलिएगा। ऐसे है जी, देखो सरकार ने किसानों की डिमांड मान लेनी चाहिए। हाँ। काफ़ी समय हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए, आज ये 4 घंटे के लिए जो ट्रैक जाम करा है, सांकेतिक जो है ये सांकेतिक धरना मान लो आप ट्रैकों को रोकना। हाँ। ये सरकार को दिखाना है कि भाई देखो हम सभ्य भी हैं, 4 घंटे का समय देखे किसानों ने इतना बढ़िया काम करा है, नहीं तो भाई लोग परमानेंट भी कर देते। लेकिन 4 घंटे के लिए सरकार से रिक्वेस्ट भी करी है भाई साथ में आप जो है आप देख लो, और ये सरकार जो है माननी पड़ेगी आपने बातें। तो आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर आई है, 2 कदम आगे बढ़ी है, किसान भी आगे बढ़ा है? मैं तो मानू सरकार जमा तैयार हो रही है। अच्छा, किसी भी टाइम किसानों के लिए खुशखबरी आ सकती है। बहुत बढ़िया। किसी भी टाइम मोदी जी कह सकता है मित्रों, भाई और बहनों, करिए नहीं प्लीज, आज रात को मेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे, मेरे दादाजी खेती बाड़ी करते थे, मेरे दादाजी ने बताया बेटा कानून गलत है। भाई और बहनों, मैं आपके दादाजी की ओरिजिनल आवाज सुनना चाहता, मिमिक्री नहीं सुनना चाहता आपकी, बताइए। और आज 8 बजे के बाद कानूनों को रद्द किया जाता है। देखो मोदी जी से हमने इसी बात का आस है कि किसी भी समय मोदी जी इन कानूनों को वापस ले सकता है। सरकार परेशर में है, हरियाणा सरकार ने तो मोदी जी को कह भी दिया है भाई वापस ले लो कानून, नहीं तो हमने तो एक अम्मा बड़न कौन देवे। टिकैत जी आए आज? हाँ जी बिल्कुल, मैं मिला था अभी। क्या बोले टिकैत जी आज? देखो टिकैत जी ने एक बात बताई है, यह बात मैं अपना बताना चाहूंगा, सरकार पूरी प्रेशर में है। अच्छा, आज सरकार प्रेशर में है और सरकार की तरफ से बात होने लग रही है, लेकिन हमारे किसान नेताओं की एक ही बात है
बोले अब बातें नहीं, मीटिंग नहीं, अब सीधा फैसला है, कानून रद्द करो, हम घर चले जाएंगे। संशोधन से आप नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, देखो हम कौन है जी, हम तो किसान हैं, आम नेता ही नहीं मानेंगे जी। अच्छा। और आम किसानों की एक ही मांग है कि कानूनों को रद्द किया जाए। 3 महीने से इसी बात के लिए तो बैठे हैं जी। चलो, ये थे मनोज राठी जी। हम फिर यानी कि बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर ट्रैक पर महिलाओं का, किसान जो महिला किसान है उनका आना जाना। एक बारी कतार दिखा दीजिएगा, ये पूरी लंबी कतार लग चुकी है ये महिलाएं की। बिल्कुल, आप रामायण ट्रैक के ऊपर जहाँ ट्रेनें आती हैं, मालगाड़ियाँ आती हैं, देखते रहिए हंसी की आवाज़।